नमस्कार ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिले की बड़ी खबर से, तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षाओं की अंक तालिका में अंक नहीं आने से नाराज छात्रों ने शहर के घंटाघर पर किया रोड जाम। लगभग 2 माह से छात्रों द्वारा किया जा रहा था धरना प्रदर्शन, लेकिन आज प्रशासन नहीं दे रहा उनकी समस्याओं पर ध्यान, जिससे आक्रोशित होकर छात्रों को करना पड़ा शहर के हृदय स्थली घंटाघर चौराहे पर प्रदर्शन कर जाम। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैखवार की रिपोर्ट। नाम अभय बारे है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। हम सबकी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों की कक्षा इंटर के रिजल्ट पर नंबर नहीं है, उसमें अंक प्रदर्शित नहीं किए जा रहे हैं। उन लोगों ने रिजल्ट पर क्रॉस 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 लिख दिया है और मात्र प्रमोटेड लिख दिया है, जिस कारण हम लोगों को किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। और लास्ट डेट 16 तारीख है, उसके बाद 1 साल हम लोगों की बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद भी हम लोगों को 77 छात्र हैं हम लोग, जिनके किसी भी रिजल्ट पर अंक प्रदर्शित नहीं हुए। और हम जो टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम है उनसे भी वंचित होते जा रहे हैं, उसमें 12th की मार्कशीट मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे उस पर अंक प्रदर्शित करें, रिजल्ट देने बगैर परीक्षा की दोबारा परीक्षा करवा। उत्तर प्रदेश का लास्ट जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ से लगातार 20 दिन हो गए इन छात्रों को समस्या है। 892 छात्र जिनके मार्कशीट पे XX करके 00 नंबर दिए, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कुछ सत्ता दल के नेता वगैरह बोल रहे थे कि ये कुछ राजनीतिक दलों का आक्रोश है। हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, देखिए जो गरीब छात्रों का आक्रोश है, जो बुंदेलखंड से चिंगारी जगने का काम कर रहा है। हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं। उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम लोग इनके साथ रहेंगे। और बुंदेलखंड के एक एक युवा के साथ और छात्र के साथ जो हुआ है, जो इनके साथ छलावा किया गया है सरकार द्वारा और उनकी मार्कशीटों में, जब तक इनके सुधार नहीं होगा, जब तक हम लोग छात्रों के साथ समाजवादी युजन सभा और समाजवादी लोग खड़े प्रशासन। ललितपुर जिले के कचहरी परिसर में अतिरिक्त कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसीलों में आपसी सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण कराया जा रहा है। उसी क्रम के चलते लोक अदालत के आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन का पालन कराने के साथ आने वाले दोनों पक्षों के बैठने की समुचित व्यवस्था कराई गई है। लोक अदालत में आने वाले सभी व्यक्ति के सुविधा का ख्याल रखा गया है और यह प्रयास किया जा रहा है कि आज इस वृहद लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को आपसी सुलह समझौता के माध्यम से समाप्त कराकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य का लाभ दिलाया जा सके, तथा जो भी मामले जनपद न्यायालय में लंबित हों उन्हें अन्य सिविल वाद आदि वाद निस्तारित किए जा रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना बार में थाना दिवस के दौरान थाने में एक युवक ने लेखपाल के साथ मारपीट कर दी। युवक का आरोप था कि उक्त लेखपाल उसके दाखिल खारिज को लेकर कई दिनों से चक्कर लगवा रहा है, जबकि उसने अपने दाखिल खारिज के लिए कई बार लेखपाल को रिश्वत भी खिलाई है। तो वहीं लेखपाल राजेंद्र कुमार गुप्ता ने उक्त युवक के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि दाखिल खारिज का कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से होकर गुजरता है, उसके बाद ही वह उस पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हैं। उन्होंने उक्त युवक द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। इस मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई। फिलहाल थाना बार पुलिस ने उक्त मारपीट के आरोपी युवक दिनेश पुत्र काशीराम निवासी टूड़ासर बार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में जय अम्बे रक्तदान समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते जिला महिला अस्पताल में नर्स की ट्रेनिंग कर रही नूरजहां ने पहली बार किया रक्तदान। इस दौरान समिति के जिला अध्यक्ष दीपक राठौर ने उनके सराहनीय कार्य के लिए समिति की ओर से किया धन्यवाद। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैखवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ग्राम बीघा महापत के छोटे तालाब में अचानक एक मगरमच्छ के आ जाने से गांव में मचा हड़कंप। गांव के सभी ग्रामीण लोग दहशत में आ गए हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैखवार की रिपोर्ट। आइए डालते एक नजर अब ललितपुर जिले की तहसील पाली की ओर, तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर में थाना पाली पुलिस फोर्स आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र के ग्राम एरावनी कबूतरा डेरा पर छापा मारकर 75 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित 2 महिलाएं को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में की कार्रवाई।
ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तहसील पाली के जिला परिषद इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आगामी वर्ष 2022 के चुनाव के मद्देनजर की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए रणनीति तय हुई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पाली परिसर में आगामी त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा महोत्सव एवं चेल्लुम त्योहारों के मद्देनजर की पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी वर्ग के समाज सेवी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने सभी से आगामी त्योहार कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की विशेष अपील की गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से ब्रेक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये मामला ललितपुर जिले के सागर राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां ग्राम बंगरिया स्थित पेट्रोल पंप के पास ललितपुर से सागर की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा और पलट गया। इस घटना में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों घायल हो गए हैं, जिसमें ट्रक की क्लीनर की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर में खेत पर फसल देखने गए युवक को जहरीली कीड़े के काटने से मौके पर ही मौत। घटना को लेकर परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र की घटना। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में मिशन शक्ति 3.0 अभियान के तहत अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं स्वावलंबन विषय पर वेबिनार तथा योग एवं व्यायाम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। वेबिनार के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्रचार नोडल अधिकारी प्रोफेसर केशव देव ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने, सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और आत्मरक्षा के लिए स्वयं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रिया बजाज, जो कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोएडा में कार्यरत है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के जिला कारागार में कोविड-19 गाइडलाइन के साथ साथ डेंगू मलेरिया बुखार को लेकर लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। उसी क्रम में जेल के अंदर और बाहर फॉगिंग कराई गई, जिससे कि मच्छरों से बचाव किया जा सके। ये जानकारी प्रभारी जिला कारागार श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा द्वारा दी गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। ललितपुर के जैन मंदिरों में पर्युषण पर्व के दूसरे दिन भी नगर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। देखिए विशेष रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर प्रमुख झलकियों के साथ। तो ये थी जिले की आज की ललितपुर की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि ललितपुर की छोटी बड़ी खबर हम आपको समय समय पर जल्द से जल्द पहुंचा सके। धन्यवाद। सद्वेद शिवा योग नाम गोत्रीय गोत्राणी पुण्यम अतो नियत पापम इति तद्वासुकि मुक्षाति अस्मो अध्याय नमः। अष्टमोध्याय नमो नमः। परिचय जय चारित्र।
कलकत्ता में विराजित कन्या क्यों में ग्रह होती पूजा भाते चना दान नित्य पुत्र सर्गा अनुज्ञा उत्तम क्षमा मार्ग वाद्य स्वस्थ सत्य संयम तपस्या वाकिन चलि ब्रह्मचर्याणि धर्मा अनित्य शरण संसारी तत्वा नेत्वा सत्य अक्रम समय निजला लोक भोगी रोहा धर्म स्वाख्या तत्वानु चिंतन अनुप्रेक्षा मार्ग चरण निर्जराचम परिशो डब्य परिशा सत्य पाचा की कृष्ण दर्श मजन नगनिया जति स्त्री चर्या निषद्या प्रिया दोष वादि आत्मा लाभ रोग ग्रहण स्पर्श मल सत्ता पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी सूक्ष्म सांप्राय छद मस्त बीत राग योग चतुर्दश चतुर्दश एकादश जिने गावे सांप्राय सर्वे ज्ञान रहने प्रज्ञा ज्ञाने Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.